की सुबह कितनी अच्छी लगती है। अगर आप घर में होली खेल रहे हो तो क्रिकेट रहे, बाहर भी देखो यार अच्छा मौसम पर। अगर आप स्कूटी पे जा रहे हो होली के दिन, कृपया करके केयरफुली राइड करना अगर आपको बहुत अच्छे से राइड करनी आती हो, क्योंकि बिकॉज सारे राइडर ना यहाँ पर ओवरलोडेड है, समझ रहे हो भाई साहब क्या कह रहा हूँ। तो कोई भी कहीं से भी मिसाइल आके आपकी स्कूटी में लग सकती है, तो बी केयरफुल एंड राइट एंजॉय हॉली। देखो भाई साहब तूफान ही राइड करता वाला होता जा रहा है। होली के खूबसूरत चेहरे रंग बिरंगे, लास्ट टाइम होली के बाद ही क्यों ना गया इस बार देखते हैं। भाई साहब ट्रैक्टर ही ले आया वो, ये हमारे शहर में ना ऐसा तरीके का जुलूस निकलता है होली के बाद, यानी कि अगर ये जुलूस निकल गया तो समझो कि होली अब समाप्त हो चुकी है, अब आप लोग नहा सकते हैं और अपने अपने घर जा सकते हैं। क्या ड्रामे होते हैं ये तो समझ में नहीं आता, इंसान को भगवान सही तरीके से भेजता है, इंसान अपना गेटअप खुद आके चेंज कर लेता है। मेरे को ना कुल मिला के सबसे बढ़िया झांकी यही लगी, क्योंकि ये जितने भी बंदे हैं आर्मी की ड्रेस पहन के देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डांस करके, और ऐसा होना भी चाहिए यार। उल्टे सीधे गंदे गंदे डांस करना तो बेकार है, अपने फौज के ऊपर ही अपने देश के ऊपर ही डांस करना तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। मेरे को ना ऐसे जुलूसों में सब बढ़िया लगता है, लेकिन एक यही बुरी चीज़ लगती है कि यार ये भगवान का गेटअप करके जो ये डांस करते हैं ना, ये लड़का लड़की या पता नहीं ये लड़की है भी या नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है, वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये बात है जो कि ये भगवान का गेटअप लेके नाच कर रहा है, अभी तो ये भगवान ही है समझो, लेकिन उसके बाद ये क्या इंसान है, कैसा इंसान है, शराबी है, ख़राब आदमी है, मांस का सेवन करता है, क्या करता है इसके बाद। तो ऐसे अगर आप गेटअप दे रहे हो किसी को बना रहे हो तो प्लीज़ उसका करेक्टर उसकी पर्सनैलिटी को पूरा जज करके फ़िल्टर करके देख के कि यार वो सही बंदा है या नहीं, तब जाके इतनी बड़ी पोजीशन की गेटअप दो ना यार। ऐसे कैसे हम कुछ भी बिना सोचे समझे पब्लिक के आगे सब प्रेजेंट कर देते हैं, जिससे कि हम बिल्कुल एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसकी बुद्धू। Yeah.